मेरे रिक्शे का नंबर और इसके रिक्शे का नंबर तकरीबन सेम है। फिर कितने में छोड़ोगे आप? आप यहाँ बोलो जो आपको अच्छा सही रेट लगे। इंशाल्लाह इंजन आप देखें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक मजे में होंगे। देखिए हमारे साथ अब्दुल गनी भाई है और काफ़ी अरसे से मैं इसके पीछे लगा हुआ था लेकिन ये हाथ पे नहीं आ रहा था। इसके साथ एक अहम बातचीत है और वो क्या बातचीत है, वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। तो इसके पीछे मैं इसलिए लगा हुआ था कि इसका जो रिक्शा है ना वो मेरे रिक्शे के तरह ही रिक्शा है। उस रिक्शे के लिए हम इसके साथ कुछ बातचीत करेंगे और पहले तो अभी इस वक्त चाय पी रहे हैं, होटल पे चाय पीते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इनका रिक्शे में क्या खसूसियात है जो हमें पसंद आया। तो हमारे साथ ही अब्दुल गनी भाई है और फिर आगे वीडियो आपसे शेयर करेंगे। तो पहले चाय पीते हैं और चाय के बाद फिर इसका रिक्शा आपको दिखाते हैं। तो जनाब ये है मेरा रिक्शा, सही है, मरघाट अभी तक डला नहीं है, इंशाल्लाह करीब मरघाट डल जाएगा। और ये भाई का रिक्शा है, ये इनका रिक्शा चेक करें, नंबर भी चेक करें। देखिए आप अब मेरे रिक्शे का नंबर और इसके रिक्शे का नंबर तकरीबन सेम है, सिर्फ एक नंबर का। और ये रिक्शे का लुक चेक करें, ये देखें एक साइड भी दिखाते हैं। तो भाई गनी भाई ये रिक्शा आप मेरे को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो यार, ये इस पे मेरा दिल आ गया। ये तो हमारे ऐसे बेटे की तरह, हम इसको नहीं बेच सकते ना, औलाद की तरह इसको हम बेचेंगे, हम क्या करें यार। मैं आपको अच्छी कीमत दे दूंगा यार गनी भाई। यार अगर आप कहीं जो है ना दिल चाह रहे ये गाड़ी तो आप ले लें। फिर कितने में छोड़ोगे आप? आप यहाँ बोलो जो आपको अच्छा है सही रेट लगे, आप से बोलो, हमारा को समझ में आ गया जो ये दे रहा हूँ कि आपका दिल आ गया। नहीं दिल तो यार जिस तरह है मेरा रिक्शा है ना, देखो सामने खड़ा हुआ है, मेरे रिक्शे का बिल्कुल डबल पार्ट है। और रिक्शे तो मार्केट में बाहर रोडों पे बहुत प्यारे प्यारे रिक्शे घूमते हैं लेकिन इस रिक्शे पे मेरा दिल आ गया। पिछली बार भी मेरे को मिले थे ना मैकलर रोड पे, मैंने आपको इशारा किया था लेकिन ट्रैफिक बहुत जाम था, आप निकल गए थे शायद। तो आप कितने में छोड़ोगे? आप बोलो आप क्या दे। 1.5 लाख दे दूँ? 1.5 लाख हाँ मेरे को दे यार वो मेरा वाला रिक्शा। नहीं वो तो आपको शायद मालूम ना हो लेकिन वो तो यार बिल्कुल मैं नहीं बेच सकता हूँ क्योंकि उस पर 2.5 लाख भी लगे हैं, 2 लाख भी लगे हैं, लेकिन बात पैसों की नहीं है, वो तो बेचना ही नहीं है मेरे को। तो आपको बेचना नहीं है ना, साफ बात ये तो नहीं बेच सकते ना, मैं तो आपको पहले बोला लेकिन आपका दिल आ गया ना। मेरा दिल आया और दिल से जो मजबूर है तो नहीं, अगर आप बेचोगे तो आप मेरे साथ प्रॉमिस करो, वादा करो, जब भी आप बेचोगे मेरे को। जब जब बेचेगा आपको, आपका पहले होगा फिर दूसरे को, ये आपके साथ वादा। इंजन में देख सकता हूँ रिक्शे का? पूरा गाड़ी देख। नहीं पूरी गाड़ी तो हमने देख ली अंदर, ये माशाल्लाह इंजन आप देखें, बहुत जबरदस्त यार। यार गनी भाई दे दो यार, छोड़ दो यार, 1.5 लाख नहीं 1.60 लाख ले लो। चलो ये देखे अंदर माशाल्लाह, बढ़िया भी जेन्युइन लगी, बहुत जबरदस्त। ये देखिए बहुत जबरदस्त है। चलो पीछे पीछे का जो तंगड़ी वगैरह है वो भी देखते हैं भाई। ये देख माशाल्लाह। तो गनी भाई आप नहीं दे रहे हो रिक्शा? नहीं दे सकते ना, मजबूरी है, रोटी खाया है। चलो सही है, अब इसके साथ हम इजाजत चाहेंगे, आप जब भी ये रिक्शा बेचोगे हमें आप वादा हो गया, बिल्कुल वादा हो गया। ये हमारे गनी भाई थे, इनके साथ हमारा सौदा बन रहा था लेकिन ये
गाड़ी बेच ही नहीं रहे, जब भी देंगे हमको ही देंगे। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर के साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।